मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं मिस एंड्रिया दयाल सेंटिनरी मेथोडिस्ट चर्च की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज ये बहुत हर्ष की बात है कि हम उपवासकालीन ऑनलाइन प्रार्थना के माध्यम से एक साथ प्रभु की स्तुति करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज की प्रार्थना जो मिसेस सी पॉल परिवार एवं मिसेस सिम्पसन विलियम परिवार के लिए ऑनलाइन आयोजित की गई है। सो आइए आज की हम आराधना त्रिएक परमेश्वर के नाम से आरंभ करते हैं। मैं बाइबल में से वचन पढ़ूंगी, भजन संहिता 29 उसकी फर्स्ट और सेकंड वर्स, जहां इस प्रकार लिखा है, हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शुभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस दिन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, इस आराधना को और जितने भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, उन सबको नाम बनाम आप आशीषित कीजिएगा। मैं पिता परमेश्वर अपने आप को और आज के वक्ता को पिता परमेश्वर आपके मजबूत और पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। पिता परमेश्वर उन दोनों परिवारों को पिता परमेश्वर आप भरपूरी से आशीष दीजिएगा जिनके लिए आज हमने ये ऑनलाइन प्रार्थना सभा आयोजित की है। इस प्रार्थना को मैं पिता परमेश्वर मांग लेती हूँ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। का धन्यवाद करना और उसकी स्तुति गाना भला है। यूहन्ना 4 उसके 24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो आइए कुछ गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति करें।
संजय दयाल से कि वे कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करें। हमारे पास कुछ प्रार्थना के विषय हैं। हमारी कलीसिया की मेंबर तनु फेलोज आंटी और उनके पूरे परिवार, और हमारे कलीसिया के मेंबर नेल्सन अंकल और उनके पूरे परिवार के लिए जो कोविड पॉजिटिव हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, और उन सभी बच्चों के लिए जिनके अभी बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं। प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्यारे से प्रभु, खूबसूरत से प्रभु, जिंदगी के खालिक और मालिक प्रभु, पिता परमेश्वर, श्वासों के देने वाले प्रभु, जीवन को चलायमान रखने वाले प्रभु, पालनहार, तारनहार, खेवनहार प्रभु, पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, इस प्यारी दिन में एक बार फिर से पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में आते हैं और आपसे बातचीत करना चाहते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहते पिता परमेश्वर इन तमाम लेंस प्रेयर मीटिंग के लिए पिता परमेश्वर, जिससे हम आपकी नजदीकी को महसूस करने पाते। पिता परमेश्वर, हमें आपकी निकटता महसूस होती पिता परमेश्वर। हमारा ईमान है पिता परमेश्वर कि आप हमारे बीच में रहते, आप हमारे परिवारों के बीच में रहते, आप हमसे बोलते, बातचीत करते। पिता परमेश्वर, आप सबको संभाल कर रखने वाले प्रभु हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति, महिमा, उड़ानुवाद, भक्ति, सब कुछ अपने प्यारे से, खूबसूरत से प्रभु यीशु मसीह को देते पिता परमेश्वर। आज के इस प्यारे दिन में प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने उपस्थित जन इस आराधना में, इस दुआ में शामिल हैं पिता परमेश्वर,
होने दे पिता परमेश्वर, हम एक मन होकर पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में आने पाए पिता परमेश्वर, ताकि जो भी बातचीत आपसे करें, जो भी दुआ आपसे मांगे पिता परमेश्वर, वो पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, गुणानुवाद, भक्ति पिता परमेश्वर। सबसे पहले पिता परमेश्वर धन्यवाद देते आंटी पॉल के लिए पिता परमेश्वर, आंटी पॉल के जीवन में के लिए पिता परमेश्वर, उनकी लंबी उम्र के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। हम उनके फैमिली के लिए आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपने इस बुरे दौर में उनको संभाल के रखा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते। और होने दे पिता परमेश्वर, ये जो बुजुर्ग हैं, जो कलीसिया के शोभायमान मुकुट हैं पिता परमेश्वर, इनका आशीर्वाद, इनकी दुआएं, इनकी ब्लेसिंग्स पिता परमेश्वर हमेशा हमेशा हमारे सरों पे बनी रहने पाए, कलीसिया पे बनी रहने पाए, ताकि ये जो पिता परमेश्वर इस कलीसिया को बनाने वाले लोग हैं पिता परमेश्वर, ये बहुतायत से आशीष पाने वाली हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते मिस्टर सिम्पसन विलियम्स के लिए पिता परमेश्वर, उनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर, जो आशीषें आपने उनके लिए रख छोड़ी हैं, उन आशीषों को आज आपसे क्लेम करते पिता परमेश्वर, आप उनके परिवार पर भरपूरी से अपनी आशीषों को बना के रखें पिता परमेश्वर। हर एक बात के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, आप महान प्रभु हैं, आप प्यारे प्रभु हैं, आप खूबसूरत प्रभु हैं, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम सबसे पहले आज खास तौर से आपसे प्रार्थना करना चाहते भाई प्रदीप फेलोज और उनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते अपने अजीज भाई नेल्सन सिंह के लिए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हम ये नहीं कहते कि परेशानियां जीवन में नहीं आएंगी पिता परमेश्वर, परेशानियां तो आएंगी, और परेशानियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परंतु परेशानियों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है पिता परमेश्वर। ऐसा कभी हुआ नहीं पिता परमेश्वर कि जब हमने आपसे मांग और आपने नहीं दिया पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता परख कर देखो यहोवा कैसा भला है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इन दोनों फैमिलीज पर पिता परमेश्वर आपकी बड़ी चंगाई को क्लेम करते हैं हम सब मिलकर आज की शाम पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हम जानते हैं बहुत जल्द हमारे बीच में, हमारे परिवारों के बीच में भाई प्रदीप फेलोज और पिता परमेश्वर भाई नेल्सन सिंह की गवाहियां हम सुनने पाएंगे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते तमाम उन दिल अजीजों के लिए पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग हैं जो इस पेंडेमिक में पिता परमेश्वर परेशान हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते ये क्या होता है, लेकिन हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है, हमारी दुआओं में ताकत है, हमारे ईमान में ताकत है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हर एक गरीब मोहताज को, गमजदा को, जो पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ट्रीटमेंट कराने के लिए पिता परमेश्वर सुविधाएं नहीं है पिता परमेश्वर, ऐसे तमाम लोगों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। बीमार गमजदा लोगों को, गरीब मोहताजों को पिता परमेश्वर आपके चरणों में समर्पित करते हैं। और ये जो दौर पिता परमेश्वर आया है हमारे जीवन में पिता परमेश्वर, ये भी निकल जाएगा ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 अपने चर्च के जवानों के लिए, अपने चर्च के बच्चों के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, उन चंगाइयों के लिए जो आपने गुजरे समय में हमारे चर्च में, हमारी कलीसिया में दी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हम हर एक बात के लिए धन्यवाद देते। हम खास तौर से पिता परमेश्वर प्रार्थना करते पिता परमेश्वर अपने भाई सुधीर सरकार साहब और उनके परिवार को पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, आप हम जानते हैं आप उनकी प्रिय पत्नी और दोनों प्यारे बच्चों के साथ में हैं पिता परमेश्वर। वो आपकी योजना थी, वो आपकी मोहब्बत थी पिता परमेश्वर के आपने उन्हें अपने पास बुलाया पिता परमेश्वर। लेकिन ये आपकी कलीसिया पिता परमेश्वर, आपने ये जो प्यार मोहब्बत से भरी हुई पूरी कलीसिया दी है इस भोपाल शहर में पिता परमेश्वर, हम सब अपनी अजीज बहन रीता सरकार के साथ एक परिवार के रूप में खड़े हैं। तौफीक दीजिएगा कि इस कलीसिया में मोहब्बत बहने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तमाम छोटे बच्चों, जवानों को आपके चरणों में देते, तमाम उन जवानों के लिए धन्यवाद देते जो पिता परमेश्वर आपकी नजदीकी में रहते पिता परमेश्वर। वचन कहता है धन्य है वे जवानी जो प्रभु के चरणों में गुजरती है पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर अपने तमाम
तमाम माता पिताओं को आपके चरणों में देते, पिता परमेश्वर अपने बुजुर्गों को, पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर कलीसिया के शोभायमान मुकुट हैं, उनको आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर आज जितने उपस्थित जन यहां पर हैं, हर एक को आपके चरणों में समर्पित करते। पिता परमेश्वर जबकि एंड्रिया इस लीडिंग को करती, पिता परमेश्वर इस आराधना की लीडिंग को करती, उसे तौफीक दें पिता परमेश्वर, उसे अपने वचन से मस्सा करें, पाक रूह से मस्सा करें पिता परमेश्वर, ताकि आपकी नजदीकी को महसूस करते हुए वो पिता परमेश्वर आपके चरणों में समर्पित रहे। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते पिता परमेश्वर अपने अजीज आपके खादिम पिता परमेश्वर रेवरेंड अनोज चाल साहब और उनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्य है वे जवानी जो पिता परमेश्वर आपके चरणों में समर्पित करी गई है, धन्य है वे जवानी जो आपकी सेवा के लिए समर्पित करी गई है, उनके परिवार पर पिता परमेश्वर बड़ी आशीष को मांग लेते हैं। पिता परमेश्वर जब उन्होंने हमें ज्वाइन किया था पिता परमेश्वर, हमने आपसे प्रार्थना मांगी है पिता परमेश्वर कि हमारी बिटिया एंजल पिता परमेश्वर यहां से चंगाई को प्राप्त करने वाली हो सके। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते कि आपने उसे बहुत ज्यादा चंगाई दी है और जो बाकी है पिता परमेश्वर वो भी आप देने वाले हैं पिता परमेश्वर, दे रहे हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते। आज जबकि पिता परमेश्वर आपका खादिम आपके वचन को लेके खड़ा होता पिता परमेश्वर, उस वचन को पिता परमेश्वर जो दोधारी तलवार के समान है पिता परमेश्वर, वो वचन जो मोहब्बत से भरा हुआ है पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर जब क्रूस पर आपने हमारे लिए प्राण दिए तो वो मंदिर का पर्दा फट गया पिता परमेश्वर, वो रास्ता खुल गया मोहब्बत का रास्ता कि हम आपकी हुजूरी में आ सकते हैं पिता, जब चाहे तब आ सकते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते। और पिता परमेश्वर हम ये भी जानते हैं कि वो ही वचन आप न्यायी परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर, आप न्याय से प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, आप पिता परमेश्वर मोहब्बत के परमेश्वर हैं, आप पिता परमेश्वर न्याय के हैं पिता परमेश्वर, खुल जाएंगी किताबें पिता परमेश्वर, एक दिन हमारी भी हमें भी दिन गिनने की समझ दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उस वचन पर जब मनन करते तौफीक दे के हम उससे पिता परमेश्वर बहुत सारी आशीषों को प्राप्त कर सके। हर एक उपस्थित जन को आपके चरणों में समर्पित करते पिता परमेश्वर, दिनेश को आपके चरणों में देते जबकि वो आपके भवन में सेवा करता, उसके भी साथ हो पिता परमेश्वर। हर एक बातों को आपके चरणों में समर्पित करते हुए पिता परमेश्वर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए, जाने या अनजाने में किसी के दिल को दुखाया पिता परमेश्वर तो हमें क्षमा करें पिता परमेश्वर। अब हमारे पास्टरेट कमेटी के एक एक सदस्य को आपके चरणों में समर्पित, अपनी कॉन्फ्रेंस को आपके चरणों में समर्पित करते पिता परमेश्वर। ये सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च के लिए प्रार्थना मांगते पिता परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत बहने पाए पिता परमेश्वर, हमें प्यारे परिवार के रूप में पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में आए, जबकि हम वेदियों पे जाके आपकी वेदी पे जाके प्रार्थना करते, हर एक प्रार्थना पिता परमेश्वर आप सुनने वाले प्रभु हैं। सर्वस्व आपके चरणों में अर्पित समर्पित करते हुए, गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए, नेक बंदा बनने की अगुवाई आपसे चाहते हुए, सारा आदर सारा गौरव सारी महिमा अपने जीते प्रभु यीशु मसीह को देते, प्रार्थना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता जीवित अनुग्रहकारी प्यारे से खूबसूरत से प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मुबारक नाम में होकर मांग लेते, सुने और दया से ग्रहण करें, जिसने कहा जब तुम प्रार्थना किया करो तो इस प्रकार से किया करो। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में ना पड़ने दें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा आपके ही हैं। आमीन आमीन और फिर आमीन प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सब को जय मसीह। मसीह यीशु मसीहों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने हमें एक बार फिर से मौका दिया कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें, उसके वचन को सीखें, और जैसा कि हमारा थीम है वी नीड टू रिटर्न टू द लॉर्ड, हम उसी थीम पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। और आज के लिए हम इस विषय पर चर्चा करेंगे जो है वी नीड टू गो बैक टू बैथल। जी हाँ, वी नीड टू गो बैक टू बैथल। उत्पत्ति अध्याय 35 और उसकी पहली आयत से लेकर सातवीं आयत तक हम पढ़े। मेहरबानी से
उत्पत्ति अध्याय 35 आयत 1 से लेकर 7 तक, जहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से निकलकर बेथेल को जा और वहीं रह, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भाग जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराए देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो और आओ हम यहां से निकलकर बैतेल को जाएं, वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। इसलिए जितने पराए देवता उसके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको उस बांझ वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। तब उन्होंने कूच करके और उसके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा ना किया। याकूब ने उन समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया, वो नगर बैतहल भी कहलाता है। वहां उसने एक वेदी बनाई और उसने उस स्थान का नाम बैत एल बैथल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भाग जाता था तब परमेश्वर उन सबों पर प्रकट हुआ था। और रिबका की दूध पिलाने हारी धाया दबोरा मर गई थी और बैथल के बांझ वृक्ष के निचले भाग में उसको मिट्टी दी गई थी और उस बांझ का वृक्ष का नाम अल लोन बकूत रखा गया। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। मसीह यीशु में अज़ीज़ो, आज जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 35वें अध्याय की चंद 8 आयतों पर हमने पढ़ा है, ये आयतें हमारे जीवन में एक खास विषय की ओर हमारे ध्यान को लेकर जाती है। वो ये है कि हम बैतेल को चले। बैतेल का टेक्निकल और थियोलॉजिकली वर्ड हम इसमें अध्ययन नहीं कर रहे हैं, परंतु आज इस सवाल के साथ मैं इस अध्ययन को शुरू करता हूं कि हमारे लिए हमारा बैथेल क्या है, हमारे लिए हमारा बैथेल क्या है, क्या कारण है कि हम बैथेल के पास जाएं, क्या कारण है कि हम प्रभु के चरणों के पास वापस जाएं। यह हमारा आज की शाम के लिए मेन फोकस रहेगा। मसीह यीशु मसीहो, अगर मैं आप सबों से कहूं कि यह शुभ संदेश पूरे प्रदेश में, पूरे भारत देश में, पूरे शहर में फैलाना है, तो आपके पास में पहला क्या एक्सपीरियंस, पहला क्या एक्सप्रेशन होगा? और साथ ही साथ मैं इस बात को कहूं कि इस इंसानों से, इन लोगों से कहा जाए कि वो अपनी सारी बुराइयों को त्याग दें, उसके लिए हमारे पास क्या रिस्पॉन्स होगा? और वो सारे अपने ईमान को, जो जिन जिन विषयों पर, जिन जिन धर्मों पर उनके ईमान, सारे धर्म अपने ईमानों को छोड़कर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाए, तो आपके पास क्या रिस्पॉन्स होगा? It would be a big challenge for us. और मसीह यीशु में अज़ीज़ो, आज की शाम मैं चर्च से कहना चाहता हूं कि उठो और बैतेल को, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के चरणों में चलो, यीशु मसीह के चरणों में चलो, क्योंकि हमारा खुदा में यही कहता है। मसीह यीशु में अज़ीज़ो, हम इन दिनों अध्ययन कर रहे हैं रिटर्न टू द लॉर्ड पर, यूएल उसके दूसरे अध्याय की 12वीं आयत पर, पश्चातापी मन लेकर प्रभु के पास आना है, विश्वासी हृदय लेकर प्रभु के पास आना है, अपने सच्चे समर्पण को करके प्रभु के पास आना है। रिटर्न होना, इसका मतलब हम जहां थे वहां से बहुत दूर निकल गए हैं, हम भाग गए हैं, हमने दूरियां बना ली हैं। हम इस विषय पर इन दिनों चर्चा कर रहे हैं, परंतु मसीह यीशु मसीहो, जब हम इस कलाम को पढ़ रहे हैं बड़ी गंभीरता के साथ, हमारे जीवन के लिए बैतेल क्या है, आइए उस पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। और व्यवस्था विवरण की किताब से हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण अध्याय 30 और उसकी 20वीं आयत पर हम गौर, दूसरी आयत पर हम गौर फरमाएंगे। लिखा है व्यवस्था विवरण अध्याय 30 आयत 2 पर प्रभु का वचन कहता है, और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं उस बात को मान।
क्या कहता, अपने और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से परमेश्वर यहोवा की ओर फिर कर उसके पास लौटा। उस यीशु मसीह को रिटर्न टू गॉड, इट इज नॉट वेरी इजी, क्योंकि हम जब तक अपने मन से साथ पूरे पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु के पास नहीं आएंगे वो हमारा आनंद व्यर्थ होगा। चाहे हम लाख कोशिशें कर ले, हमारा चर्च आना सिर्फ मिलना जुलना होता है, आत्मिकता कहाँ होती है। रिटर्न टू लॉर्ड, रिटर्न टू द लॉर्ड का मतलब है अपने मन से प्रभु के चरणों के पास आना है। मेल मिलाप जरूरी है, परंतु मसीह मसीजो खुदा के कलाम को समझे, सारे मन से परमेश्वर के पास आना ये जरूरी है। दूसरी बात, अगर हम बहुत ध्यान से कुरंथियों की किताब को अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं वहाँ ढेर सारी शिक्षाएं हमारे जीवन के लिए हैं। और इन्हीं शिक्षाओं में से एक बात जो पौलुस हमें कह रहे हैं, दूसरा कुरंथियों 5:7 पर, वॉक विथ हिम, वापस आकर बैठने से काम नहीं बनता परंतु परमेश्वर के साथ चलने से काम बनता है। कैसे? वॉक विथ हिम। दूसरा कुरंथियों 5:7 लिखा, क्योंकि हम स्वरूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास पर चलते हैं, क्योंकि हम स्वरूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास पर चलते हैं। वॉक विथ हिम, जब हम प्रभु के चरणों में बने रहेंगे तो उसके साथ साथ चाहिए कि प्रभु के साथ चलें, एक या दो या कुछ घंटे या कुछ मिनटों का बात नहीं है, ये सवाल है हमारी पूरी जिंदगी का, ये सवाल है एक परिवार की जिंदगी का, ये सवाल है एक समाज की जिंदगी का, ये विश्वासियों के जीवन का सवाल है मसीह यीशु मसीह कि वॉक विद का, वॉक विद हिम। अगली बात को अगर हम अध्ययन करें तो है व्यवस्था विवरण पर ही हम चलते हैं। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 11:13 पर हम गौर फरमाते, लिखा है क्या व्यवस्था अध्याय 11:13 में, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो तो अद्भुत आशीष है तो वह हमको देगा। यीशु मसीह से सर्व है, विश्वास के साथ उसकी सेवा करते रहना है, विश्वास के साथ उसके अपने मन से परमेश्वर की सेवा करते रहना है। ये चंद मिनटों या एक घंटे या डेढ़ घंटे या एक दिन या कुछ सप्ताहों का काम नहीं है, दिस इज कंटिन्यूएशन इन प्रोसेस। सर्व है व्यवस्था 11:13। अगली बात है लव है, प्रेम के संबंध में खुदा का कलाम हमसे कहता है व्यवस्था विवरण 30:6। व्यवस्था विवरण 30:6 और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन सारे प्राण के साथ प्रेम कर जिससे तू जीवित रहेगा। इसका मतलब लाइफ चाहिए तो जिंदगी में प्रेम होना चाहिए, और अगर हमारे जिंदगी में प्रेम की कमी है तो वो कैसे जीवित रह पाएगा। ये जीवित होना संबंधों का जीवित होना है, ये जीवित होना हमारे रिश्तों का जीवित होना है, ये जीवित होना परमेश्वर के साथ प्रेम संबंध और परमेश्वर के साथ संबंध को बनाए रखना है। अगर हमारे अंदर में प्रेम बरकरार है तो हम जीवित रहेंगे, और प्रेम नहीं रहेगा तो हम ठनठनाता हुआ जहान पीतल के समान हो जाएंगे। मसीह यीशु मसीह, मेरे प्यारे मित्रों, आइए हम इस चीज को और गहराई से समझें और जाने व्यवस्था विवरण 26:16 में एक बात हमें मिल रही है, वो कह रही है कीप हिज वर्ड्स। अगली बात, कीप हिज वर्ड्स। अब कीप हिज वर्ड्स, उसके शब्दों पर बने रहना कैसे हम कर पाएंगे? व्यवस्था विवरण 26:16 लिखा है आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा देता है, इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इनके मानने की चौकसी करना। शुरुआत तो करें,
प्रभु से प्रेम करने की, प्रभु के चरणों में वापस आने की, उसकी सेवा करते रहने की, विश्वास के साथ चलने की, उसके वचनों को अपने जीवन में बरकरार रखने की। व्यवस्था 26 और उसकी 16, आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा देता है, तो हमको मानने की आवश्यकता, इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इनके मानने की चौकसी करना। ना तो तू दाएं जाना, ना तो तू बाएं जाना, ना आगे की चैलेंजेस, आगे की चुनौतियों को देखकर डरना, ना पीछे के अनुभवों से घबराना, लेकिन तू परमेश्वर के वचन को मानने के लिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इसके मानने की चौकसी करना। मेरे प्यारे मित्रों, हमको परमेश्वर के साथ संगति बनाए भी रखना, और ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम परमेश्वर के साथ संगति को बनाए नहीं रखेंगे, उसके प्रॉमिसेस को इग्नोर करते रहेंगे, तवज्जो नहीं देंगे, तो मसीशियों मसीजों उन बरकतों को हम पहचान ही नहीं पाएंगे। सो उसके लिए हम देखेंगे सीख हिम, परमेश्वर को तलाश करना न छोड़े, सीख हिम। दूसरा इतिहास और उसका 15वां अध्याय और 12वीं आयत, दूसरा इतिहास उसका 15वां अध्याय और 12वीं आयत लिखा है, उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। मेरे आत्मिक मित्रों, परमेश्वर की खोज सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या हम परमेश्वर की खोज करते हैं? क्या हम परमेश्वर को ढूंढते हैं हर सुबह, हर शाम, हर रात जब हम बिस्तर में होते हैं, अपने बिछौने में होते हैं, निद्रा के लिए जाते हैं, क्या हम परमेश्वर को ढूंढते हैं इसके पहले कि हमारी आंखें खुलें? टेंशंस जो आज के दिन के लिए वो हमारी आंखों के सामने होते हैं, या परमेश्वर का धन्यवाद करना होता है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। क्या हम परमेश्वर को ढूंढते हैं? क्या हम हमारे पूर्वजों के जिस विश्वास में हम आए, उस विश्वास को ही लेकर हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, उसका धन्यवाद? सवाल मेरे अगले मित्रों, अगला जो विषय, अगला जो मुख्य बिंदु है वो है ट्रस्ट हिम। उसके वचनों से जो हमने सीखा, जो ब्लेसिंग्स पाई, क्या हम उसको अपने जीवन में बरकरार रखने पाए? नीति वचन उसका 3:5 में लिखा, तू अपनी समझ का सहारा ना ले। चैलेंज के सामने सबसे पहले इंसान अपना आपा खोता है और परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाता। बीमारी के समय, इस COVID-19 के इस महामारी के दौर में जितने लोगों से मेरा बात हो रही है, जितने लोगों से चर्चा हो रही है, वही कह रहे हैं जिनके ऊपर बीतती है भाई साहब, वही जानते हैं। मसीह यीशु मसीहों, मैं ऐसा सोचता हूं, इन अनुभवों के साथ हमने कितने लोगों को ट्रेन किया, कितने लोगों को सिखाया, कितने लोगों को नहीं सिखाया, कितने लोगों तक ये मैसेज दे पाए कि हाँ, वी शुड अवेयर To live a life with a faith in Christ। परंतु मसीह मसीहों, हम अपने जीवन की परिस्थितियों में अपने खुदा पर यकीन करने में ही पीछे रह गए। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के सामने अपनी समझ का सहारा लिया, परमेश्वर के बताए मार्गदर्शन पर हम नहीं चले। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ये बात वो है कि हम अपने जीवन के विचारों को प्रभु चरणों में रखते हुए अंत तक विश्वासी रहना, अंत तक धीरज रखने की बात समझते हैं। आज की तारीख में धीरज कोई रखना नहीं चाहता। कारण क्या है? क्योंकि सबको जल्दी चाहिए। रिटर्न टू द लॉर्ड इतना आसान नहीं है, प्रभु के चरणों में वापस आना इतना आसान नहीं जितना दूर हम चले गए। वो उड़ाऊ पुत्र भी सब कुछ बेच बाचने के बाद, सब कुछ बर्बाद होने के बाद लौटा था, सब कुछ खत्म हो जाने के बाद लौटा, इतना आसान नहीं है। लेकिन वो डिसीजन जो उसने लिया, वो जरूर चैलेंज भरा था कि मुझे अपने बाप के पास वापस जाना है। मसीह यीशु मसीहों, अगर हम अपनी सहारा, समझ का सहारा लेते रहेंगे तो हम भी उड़ाऊ पुत्र के जीवन के समान ही तो रहेंगे। उन्हीं अयाशियों में, उन्हीं अपने जीवन में, उन्हीं अपने स्वभाव में बने रहेंगे, परंतु हम खुदा के पास नहीं आ पाएंगे। मसीह यीशु मसीह कलाम कहता है, तू अपनी समझ का सहारा लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रेरितों के काम आखिरी रेफरेंस में आपके साथ आज की शाम शेयर कर रहा हूं। प्रेरितों के काम उसका 8:37 में लिखा है, फिलिपुस ने कहा, उससे कहा, किससे कहा? खोजे से कहा।
फिलिप उसने उससे कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास कर ले तो हो सकता है। परंतु कहता है फिलिपस, परंतु यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता। क्या ले सकता? बपतिस्मा ले सकता है। और आगे लिखा, उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। मसीह मसीजो, ये वो भरोसा ही है जो हमें प्रभु के चरणों में बनाए रखता है। आज की शाम जब हम देखते हैं जिस कलाम को हमने शुरू किया था कि वी नीड टू गो बैक टू बैतेल, परमेश्वर लोगों को बैतेल में इकट्ठा कर रहा था कि वहां बेदी बनाओ और वहां मेरी इबादत करो। मसीहो मसीजो, हमारे जीवन का बैतेल क्या है? खाना पीना, उठना बैठना, घूमना फिरना, बने रहना, परंपराओं को बरकरार रखना, इट इज आवर बैतेल। और प्रभु के चरणों में बने रहना वो इंपॉर्टेंट। मसीह मसीजो, ये भरोसा ही है जो हमें प्रभु के चरणों में बनाए रखता है। हमारे लिए हमारा बैतेल क्या है? मसीह मसीजो, प्रभु के चरणों में बने रहना हमारे लिए हमारा बैतेल है। आइए पूरे विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में आए, अपने मन को भाड़ कर प्रभु के चरणों में आए, सच्चे मन के साथ प्रभु के चरणों में आए। और जाने जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं दिनों की, तो भी यहोवा की वाणी अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। आइए मसीह मसीजों, क्या जाने कि प्रभु अपना मन बदल दे और हम में से हर एक को अपने शासन से आसन के पास बुला ले। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की शाम हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं। हृदय से धन्यवादित है प्रभु तेरे अद्भुत अनुग्रह के लिए, तेरी सामर्थ्य के लिए, तेरी कृपा के लिए जो तूने बरकरार रखा है। प्रभु हम सच्चे पश्चाताप के साथ तेरे पास आते हैं, प्रार्थना करते प्रभु अपने अनुग्रह को बनाए रखें ताकि प्रभु परमेश्वर हम तेरे चरणों में बने रहें। हम प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते कि तूने हमें सिखाया कि हम तेरे चरणों में वापिस आए। प्रभु परमेश्वर तुझ पर विश्वास के साथ चलते रहें, तेरे साथ चलते रहें, हम तेरी सेवा करें, हम तुझसे प्रेम करें, तेरे वचनों को संभाल के रखें, हर रोज तुझे ढूंढें, हर दिन तुझ पर विश्वास में आगे बढ़ते जाए। प्रभु हमारा भरोसा ना टूटे, हमारा प्रभु हमें इस लायक बना कि हम तुझ पर शादमान हो सकें और तुझ पर हमारा भरोसा बना रहे और हम सिर्फ तेरी सेवा करें। सारी चिंताओं को प्रभु अपने व्यक्तिगत जीवन की, हमारे अजीजों के जीवन की, हमारी कलीसिया के जीवन की सारी चिंताओं को, हर एक महामारी के डर को, हर एक फाइनेंशियल क्राइसिस को, हर एक समस्या को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हो। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते, सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। आइए मसीह मसीजों, प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की शाम प्रभु तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं। हृदय की गहराई से प्रभु तुझे धन्यवाद देते जिसने मसीह यीशु में हम सबों को बहुतायत के साथ आशीष दी, सुरक्षित रखा, और प्रभु परमेश्वर तू हम सबको अपनी महिमा में संभाल के रखता बचाता, प्रभु तेरा धन्यवाद करते। आज की शाम प्रभु परमेश्वर जब हम मिसेस सी पॉल एवं परिवार और मिस्टर सिमसन विलियम एवं परिवार की तो प्रार्थना सभा करने पाए, हम तो सिर्फ प्रार्थना करते तेरा अद्भुत फजल इन परिवारों पर बना रहे। हम धन्यवाद करते आज की शाम आराधना में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों जिनको प्रभु तूने अपने अनुग्रह से भरा, और प्रभु वे लोग जिस आराधना में शामिल हो रहे हैं प्रभु उन सब के लिए भी हम धन्यवाद करते, प्रार्थना करते प्रभु तेरा अद्भुत फजल बना रहे ताकि हम तेरे चरणों में पुनः वापिस आ सके। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। और अब उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति मिसेस सी पॉल एवं परिवार के साथ, मिस्टर सिमसन विलियम एवं परिवार के साथ, हमारे साथ ऑनलाइन प्रार्थना सभा में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों के साथ, तेरी मुबारक स्पिकलेसिया के साथ और जगत के हर विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे, आमीन।